सबसे मौलिक निर्णय में से एक है कितनी बार हर सप्ताह को प्रशिक्षण करने की आवश्यकता होती है। एक संबंधित प्रश्न ये भी है कि हर हफ्ते प्रत्येक स्नायु या शरीर के अंग को कितनी बार प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। अगर आप प्रशिक्षण ठीक नहीं कर सकते हैं तो प्रशिक्षण आवश्यक से अधिक कर रहे हैं या पर्याप्त ट्रेन नहीं करते हैं, तब आप कोई अच्छा परिणाम नहीं देखते हैं। आज हम बुनियादी दृष्टिकोण पर और 3 दिन की कसरत योजना के लाभ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने आपके रेफरेंस के लिए इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक बेसिक 3 दिन कसरत ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदान किया है। अगर आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं तो कृपया इस वीडियो पर हमें नीचे कमेंट करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एक सप्ताह में 3 दिन कसरत किसके लिए उपयुक्त है। इस तरह के फैसले पर असर डालने वाली एक जीवन शैली का विचार है। यदि आप बहुत काम करते हैं, विशेष रूप से शारीरिक वर्कआउट में, या उच्च स्तर के तनाव या बाहर की प्रतिबद्धताएं या कई जिम्मेदारियां हैं और जीवन में जोर देते हैं, तो अपने वर्कआउट को हफ्ते में 3 दिन तक सीमित कर दें। प्रशिक्षण तब फायदेमंद है अगर आप इससे रिकवरी कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप सप्ताह में 4 से 5 दिनों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप परिणाम प्राप्त कर रहे हैं तो आप शायद सही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप संतोषजनक परिणामों के बिना 1 सप्ताह में 4 या अधिक दिनों के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं और अपनी प्रशिक्षित आवृत्ति को कम करके अलग दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए। 3 दिन के वर्कआउट जीवन प्राथमिकताओं को संतुलित करने में मदद करते हैं और ये निश्चित रूप से कसरत को पूरा करते हैं। सही फ्रीक्वेंसी। जब आप 1 हफ्ते में 3 बार प्रशिक्षित करते हैं तो आप पूरे शरीर को व्यायाम करेंगे। इसका मतलब है आप प्रत्येक सेशन में दोनों ऊपरी और निचले हिस्से को प्रशिक्षित करेंगे। यदि आप अधिक बार प्रशिक्षित कर रहे थे तो वर्कआउट आपके द्वारा उपयोग किए जाने की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है। यदि आप 1 हफ्ते में 3 बार ट्रेन करते हैं तो आप कम से कम अतिरेक के साथ मांसपेशियों के बहुत सारे क्षेत्रों को उत्तेजित कर सकते हैं जिनमें सबसे कम संभव व्यायाम की संख्या है। दूसरे शब्दों में आपके प्रशिक्षण प्रयासों के लिए अधिकतम लाभ होगा। जब आप पूरे शरीर में बदलाव करते हैं, 1 हफ्ते की संरचना में 3 दिन, अब आप 1 सप्ताह में 12 सेट का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि अब आपको 2 के बजाय 3 दिन प्रशिक्षण छाती होगी। यही है एक 50% वृद्धि महत्वपूर्ण लगता है ना? बेहतर रिकवरी। जब आप हफ्ते में 3 दिन वजन उठाते हैं तो परिभाषा के अनुसार आप सप्ताह में 4 दिन रिकवरी कर रहे हैं। आप वास्तव में शरीर के हर एक अंग को अधिक बार प्रशिक्षित करते हैं जबकि एक साथ अधिक रिकवरी करने के लिए अनुमति देते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के सेटअप में आपके पास शुक्रवार के सेशन के बाद अधिक रिकवरी समय होगा जो आपके सोमवार और बुधवार के कसरत के बाद होगा। इस कारण सबसे हानिकारक अभ्यासों को, जिसको सबसे अधिक रिकवरी की आवश्यकता होगी, शुक्रवार को रखें। रिकवरी, जिसका मतलब है निष्क्रिय और सक्रिय रिकवरी। सप्ताह के 3 दिन के प्रशिक्षण आपको रिकवरी करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और यह अच्छी खबर है। स्थिरता और संतुलित जीवन। जब यह प्रशिक्षण पैटर्न विचारों की बात आती है तो स्थिरता सूची के शिखर पर होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिए गए सिस्टम या किसी दृष्टिकोण का फायदा क्या है। यदि आप नहीं कर सकते हैं या इसे लगातार नहीं करेंगे तो वह भुगतान नहीं करने वाला है। सप्ताह में 3 दिन की ट्रेनिंग सीमित करने से लिफ्टिंग के बाहर जीवन के लिए समय, परिवार के साथ सप्ताहांत बंद भाग लेने, अन्य शौक के लिए समय और बिना दबाव के पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने की जीवन की जिम्मेदारियों में भाग लेने के लिए समय की अनुमति देता है। इस फॉर्मूले पर गौर करें। यदि जीवन तनाव आपके वर्कआउट्स को प्रभावित कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। हर एक लगातार कसरत में प्रत्येक प्राथमिक पैटर्न के लिए चुना गया व्यायाम जितना हो सकता है उतना अलग अलग होना चाहिए। यदि आप सोमवार को वर्टिकल पुल और हॉरिजॉन्टल पुश करते हैं तो आप बुधवार को एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक वर्टिकल पुश करेंगे क्योंकि थकान निश्चित है। जितना संभव हो उतना बदलते अभ्यास आप तेजी से ठीक होने की अनुमति देगा और आपके पैटर्न ओवरलोड चोटों की संभावना कम हो जाएगी। शुक्रवार के सेशन को न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव के साथ शनिवार में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए यदि आप शुक्रवार को अनपेक्षित प्रतिबद्धताओं की आशा करते हैं या यदि एक अनपेक्षित रुकावट आने की संभावना है तो आपको बुरे प्रभाव के बिना एडजस्टमेंट करने के लिए पर्याप्त उदारता मिलती है। मिक्स एंड मैच। आप आसानी से अपने 4 ऑफ डेज पर आराम कर सकते हैं या कुछ और गतिविधियों जैसे कार्डियो, फोम रोलिंग, गतिशीलता और इसी तरह का काम कर सकते हैं।
जब आप सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शेड्यूल पर ट्रेन करते हैं तो आप मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को इन विभिन्न वर्कआउट्स को शेड्यूल कर सकते हैं, और फिर यदि आप चाहें तो पूरी तरह से रविवार को छुट्टी ले सकते हैं। यदि फैट लॉस आपके लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा है तो ऊर्जा के खर्च और फैट लॉस में तेजी लाने के लिए उन ऑफ डेज औपचारिक कार्डियो करने का सबसे अच्छा समय है। यदि आप एक मनोरंजक खिलाड़ी हैं तो अपने खेल पसंद का अभ्यास करने के लिए अपने नॉन लिफ्टिंग दिनों का उपयोग करें। यहाँ कई संभावनाएं हैं, उन सभी का विकल्प करें। याद रखें, 3 दिन की कसरत योजना के साथ अनुकूलन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भले ही आप वेट लिफ्टर, बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, मजबूत खिलाड़ी या सिर्फ एक गंभीर मनोरंजक लिफ्टर हैं, अपने फायदे प्राप्त करने के लिए इस 3 दिन वर्कआउट की कोशिश करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।